एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, हमारा आज का प्लान ये है कि आज आ रहे हैं मेरे पापा और मेरे मियाँ जी भी आए हुए हैं, और आके जब से आके बैठ के मेरी माँ के साथ मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कोई फूड डल जाए, लेकिन नहीं डल रही। और ये मेरा मामा है, हर वक्त खाता है। आप इनके पेट से अंदाजा लगा सकते हैं। और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे 15-20 मिनट रह गए। माँ तूने क्यों मुँह छुपा लिया? माँ मैं नहीं तुझे दिखा रही। तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुँचे। दादो क्या हाल है? ठीक है। आपके पुत्र को मैं सोच रही हूँ वापस की टिकट करा दूँ कि वापस जाए। वैसे ही दादा ना करा के तू तो क्या करेंगे पाकिस्तान आके? वो तो बाहर रहे, याशी करें। बच्चा जो नहीं है याशी, लेकिन मैं तो अपने घर जा रही हूँ हूँ, दुख सत होके मैं उठे याशी करा। रहने दादो रहने। हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं मेरे पापा जी को लेने, और मास्क भी लगा लिया है क्योंकि लगा लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। और ये जो मेरे मियाँ जी हैं, ये नहीं सही। अच्छा, तो हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट। रिमशा भी आई है हमारे साथ, खुरमा भी हमारे साथ आए हैं। और अभी हम जब निकले हैं, वैसे तो हम कह रहे थे कि 12:30 जाना है, उनकी फ्लाइट है और हमें 12 बजे जाना चाहिए। हम लेट आए हैं, 12:35 हो गए हैं। लेकिन अब मैंने मैसेज पढ़ा जो कि पापा ने मुझे 9 बजे का मैसेज किया हुआ है, जो मैंने अब पढ़ा है, जिसमें पापा ने लिखा है कि मेरी फ्लाइट लेट है। तो अब हमें पता लगा है हमारे साथ एक प्रैंक हो गया है, पापा की फ्लाइट लेट है। तो हम एयरपोर्ट पे ही अब बैठेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, शुगर लगाएंगे और बस यही सब कुछ। और पापा से थोड़ी सी बेइज्जती भी कराएंगे, क्योंकि पापा बहुत इस मामले में वो हैं। जब तुम लोग को जब कहो जल्दी आओ, तुम लोग लेट आते। जब कहो लेट आओ तो तुम लोग जल्दी आ जाओ। हम कहेंगे हम आए अभी, हम बताएंगे नहीं हम जल्दी आए। मैं अपने पापा से झूठी बोलती। हां झूठी। पापा जब व्लॉग देखेंगे ना आपकी, ये बात तो मैं 3 दफा करूंगी रिपीट, 3 दफा। टेंशन ना दे कि आपने बोला हम कहेंगे। आपने मुझे इशारा ही किया था पापा से। हां मैंने कोई इशारा नहीं किया। चलें ठीक है, मिलते हैं जब पापा आते हैं। नहीं थोड़ी देर बाद भी मिल सकते हैं। सो गाइस, मेरे पापा का जहाज हो गया है लैंड। ये और सबसे ज़्यादा खुशी इसको हो रही है। जी नहीं जी, हमें हो रही है ज़्यादा। छलांगे मारने से किसी को खुशी नहीं होती। कह रही थी कि क्या पापा को कहाँ, पापा को बोलो ऊपर करवा देते हैं। ओह ये भी हम पापा को बताएंगे। और आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्या हो रही? आपने क्या कहा था? फिर मेरे पास आ जाना तब तक मेरी। हाँ बस मेरे पास आ जाना, ठीक है ना भैया? मैंने कंट्रोल कर लिया, मैंने नहीं बताया। आ गए आ गए पापा, आ गए। और नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्या मूड है आपका? मेरा मूड वेट हम पापा कर रहे हैं। जनाब जनाब के बच्चों, हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय, शुरू हो गया। सब लोग में अल्हम्दुलिल्लाह पापा लैंड कर गए, और जो बेटियां हैं वो पापा के साथ बिल्कुल हमें लिफ्ट नहीं करा रही हैं अभी। और मैंने और मामू ने ट्रॉली पकड़ ली। अब देखो बाकी घर जाके अपडेट करते हैं, है ना मामू? अब हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। मामू उधर से नहीं, उधर से आनी है। ओके, तो हम पापा को छोड़ चुके हैं घर। पापा ने पापा घर में रेस्ट करेंगे, आप थोड़ा सो जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट थोड़ी उनकी डिले हो गई थी तो काफी ज्यादा वो थक गए। और मेरे मियाँ जी जो है थोड़े प्यारे प्यारे लग रही है। फिर भी हमें अपने चंद दोस्तों को मिलने जाना है अभी जरूरी। लेकिन रूप किस बात का है मियाँ? वो जरा मेरी शादी है। है आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपको कार्ड नहीं भेजा मैंने? क्या मतलब? कैसे आप कैसे मियाँ आप? कार्ड नहीं भेजा आपको शादी का? क्या मतलब? आपको मैं कार्ड भेजवाता हूँ। शर्म करें, शर्म करें, शर्म क्यों? अल्लाह गुनाह देगा आपको। ओह
वही तो बेगम थी। तो गाइस अभी इन्होंने तो घर में बैठ के माशाल्लाह से अच्छा खासा खाना खा लिया, मटन चटन इनका फेवरेट है, मैं ये नहीं खाती। तो अब मैं इनको कह रही हूँ नाश्ता करेंगे, तो कह रहे हैं मैं फुल हूँ। यार सब ऐसे करते हैं यार, मैं चंद चीजें खाती हूँ। ईद के दिन है, कुछ चिकन चिकन की जान छोड़ो यार। चिकन कौन मांग रहा है, चने मांग रही हूँ मैं तो। आप चने चने खा, वैसे कौन सा मटन खाती है। अच्छा मुझे चिकन, मैं इतना ज्यादा खाता नहीं हूँ, मुझे जरा मटन जरा ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मुझे कहता है मुझे खाओ, मुझे अपने पास बुलाओ और मुझे खाओ, तो फिर मैं खा लेता हूँ। ऊपर से जाना मियाँ, तो अभी सामान लेना था लेकिन बेगम ने मुझे मना कर दिया कि अभी लेना। कितना सन्नाटा है, सन्नाटा मैं दिखाता हूँ। ओह नाइस, उसमें मियाँ मेरे फोन में नजर आ रहा है, अब इसमें जाने दे, बंद करें। नाइस, वाकई यार ये क्या सीन है भला, रिच पीपल। अच्छा अमीरों वाले फोन है, क्या कर सकते गरीब लोग हम। कोई बात नहीं, 15 प्रो मैक्स आ रहा है ना, वो भी मैं ले लूंगी। यस तो अच्छा अभी हम लोग जाएंगे उधर। अभी खैर जो आपने मुझे सरप्राइज दिया है पापा वाला, अच्छा सरप्राइज था कि नहीं। वैसे सबसे अच्छा सरप्राइज तो मेरे लिए, पापा ने आपको पहले सरप्राइज दिया। हाँ। और आपने आगे से मुझे कह दिया, ये तो होगा मियां। मतलब हम लोगों ने, आप लोगों ने लास्ट लोग देखा होगा जब पापा से फोन पे बात हुई है ना, और उन्होंने एग्री किया ये, वो हमें नहीं पता था पापा एकदम ही, मतलब कहेंगे भाई हेलो तुम लोगों ने बात किया, मैं फोन पे कहेंगे तुम लोग जो मेरे पे गए, तुम लोग शोखे होने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं आ रहा हूं। मैं पापा ने कहा मैं भी देखो तुम लोग मुफ्त के पैसे तो नहीं मंगा रहे, फिर गोरिया पापा आ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शादी भी हो ही जाए, माँ बाप के बगैर कोई खुशी भी खुशी नहीं है। सही बात है, सीधी सी बात है, माँ बाप है तो सब है। अब शादी करनी है नहीं करनी, देखे मैं सुबह बताऊंगी नाश्ते के बाद। बेटा तू निकाह तो भी हरकत की थी, सोच के बता, निकाह कर लिया ना और रह के जाता मियाँ। यार मैं भी जाता, ये भी तो दुनिया का दस्तूर ही है ना शादी, लगता है ऐसी है। मजाक कर रहा था, छोटा हूँ ना, तेरा छोटा हूँ बड़ा गन, तेरा शादी होने लगी। चले ठीक है, मिलते हैं हम थोड़े से ब्रेक के बाद। बाय बाय।